Hello and welcome everyone. The next topic is modern Western philosophy. As we know, modern Western philosophy begins with Descartes, and Descartes belonged to rationalism, a philosophical tradition that begins around 14th century. और अगर हम रैशनलिज्म की पर्टिकुलर बात करें, एज ए स्कूल बात करें, तो यहाँ पे तीन मेजर थिंकर रहे हैं, रिने डिकार्ट्स जो फाउंडिंग फिगर्स हैं रैशनलिज्म की भी और मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी की भी। उनको मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी का भी फादर कहा जाता है और रैशनलिज्म का भी फादर कहा जाता है। देन डिकार्ट्स को फॉलो करते हैं स्पिनोज़ा और स्पिनोज़ा को फॉलो करते हैं लेबनीज़। ये तीनों जो फिलॉसफर्स हैं, इनकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उनकी फिलॉसफिकल पोजीशंस अलग हो सकती हैं, बट जो प्रॉब्लम जिससे वो डील करते वो एक ही थी। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे अब आगे के लेक्चर्स में, और आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वहाँ पे हम कवर करेंगे रिने डिकार्ट्स, द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, आर्बुकेस एंड फादर ऑफ रैशनलिज्म। सो बिफोर वी स्टार्ट विद डिकार्ट्स, तो हम ये देखना चाहेंगे कि रैशनलिज्म क्या है, जब मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, हाउ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी केम इन टू बींग, और हाउ रैशनलिज्म केम इन टू बींग एज ए स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो इसको मॉडर्न क्यों कह रहे हैं हम, तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है अगर देखा जाए। तो जो मॉडर्नाइजेशन है यही शुरू होती है अराउंड 14th century के। जो 14th century के पहले का टाइम है उसको ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में क्लासीफाई किया जाता है, जहाँ पे भी दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उनको। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली फिलॉसफी की बात करें तो हमारे पास दो सिस्टम थे मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी से पहले। एक था एंशंट फिलॉसफी जिसको ग्रीक फिलॉसफी कहते हैं हम, और एक थी मेडिवल सिस्टम जिसको हम क्रिश्चियन फिलॉसफी कहते हैं। और इसके बाद जो थर्ड ट्रेडिशन शुरू हुआ, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन है फिलॉसफी की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो रहती है मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। अब ये मॉडर्न वेस्टर्न क्या है, अब चाहे मॉडर्न साइंस की बात करते हैं हम, मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करें, या हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें, किसी जब मॉडर्न लिटरेचर की बात करें, मतलब किसी भी चीज़ में जो अगर हम डेवलपमेंट की या मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, वो कहानी शुरू होती है अराउंड 14th-15th century की। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम मॉडर्न साइंस की, कोपरनिकस एक साइंटिस्ट हुए हैं, फिजिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे वो, तो अराउंड 15th century के उन्होंने एक हेलोसेंट्रिक व्यू दिया था, जिसमें वो ये प्रपोज करते हैं कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। बट बिफोर कोपरनिकस क्या माना जाता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जैसे अराउंड 6th century BC में पटोलमी ने ये क्लेम किया था, वो भी साइंटिस्ट थे, कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और अगर हम बाइबल की बात करें या चर्च की बात करें एज ए सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, तो बाइबल में भी यही लिखा हुआ है कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है। तो मतलब क्रिश्चियन फिलॉसफर सेम मानते थे, या ट्रेडिशनल जो लोग थे वही सेम मानते थे, मतलब 14th century से पहले का जो बिलीफ था वो ये था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। बट कोपरनिकस ने ये प्रपोज करके जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, उसको चैलेंज कर दिया। तो इसी टाइप से हर एक जगह, हर एक फील्ड में, हर एक जो नॉलेज की मतलब जो फील्ड है वहाँ पे उन सिस्टम्स को चैलेंज किया गया। तो इस तरह से शुरू होती है मॉडर्नाइजेशंस। अब फिलॉसफी की अगर हम बात करें, जो मॉडर्न फिलॉसफर्स हुए उन्होंने भी सेम वे में जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी है उन पे डाउट रेज करना शुरू कर दिए, क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिए। वो फिलॉसफी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इनको मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफर्स को, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, जो क्रिश्चियन फिलॉसफी या हम ग्रीक फिलॉसफी, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ये जो आर्ग्यूमेंट्स प्रपोज की गई हैं फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स के लिए, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको नॉलेज माना जाए रियल सेंस में। तो वो क्या करते हैं, उसको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफर हैं, इनका जो फर्स्ट एम था वो था क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज। डिस्टिंक्ट क्या होता है, यूनिक। इस भाई अगर रिने डिकार्ट्स की बात करें तो ही चूज टू बिगिंस विद स्केप्टिसिज्म्स, और जो उनका मेथड था प्रॉपरली नोन एज मेथड ऑफ डाउट्स। सो डिकार्ट बिगिन हिज फिलॉसफी विद मेथड ऑफ डाउट्स, ऑल दे नीड टू
डेमोलाइज एवरीथिंग कम्प्लीटली एंड स्टार्ट अगेन राइट फ्रॉम द फाउंडेशन. तो डिकार्ट क्या चाहता था कि हम जितने भी बिलीफ हैं, फेथ हैं, थ्योरीज हैं, हम सबको चैलेंज करेंगे, सबको नहीं मानेंगे और फिर से फ्रेश फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फिर से जीरो से शुरू करेंगे. मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल फिलासफी थी, उसने उसको चैलेंज कर दिया और फिर से बैक में चले गए, बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहा उन्होंने. दैट इज वाई मतलब डिकार्ट क्या करते हैं, रिजेक्ट ऑल द ओल्ड बिलीव्स एंड फेथ एंड डिक्लेयर दैट नथिंग इज क्लियर एंड सर्टेन. Descartes proposed three arguments in the support of method of doubt. तो डिकार्ट ने क्या किया, जो अपना मेथड ऑफ डाउट है, जो अपना स्केप्टिसिज्म है उसका, उसको प्रूव करने के लिए वो तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि किसी भी चीज़ पे डाउट किया जा सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो इनड्यूटेबल नहीं है, एवरीथिंग इज लाइबल टू डाउट. तो अगर कोई चीज़ डाउटफुल है तो उसको एज ए नॉलेज कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है. डिकार्ट ने क्या किया, फिलॉसफी डेवलप करने से पहले फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय किया, और फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो तीन आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प लेते हैं. वो आर्ग्यूमेंट इस तरह से हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंस परसेप्शंस, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये. सेकंड आर्ग्यूमेंट थी ड्रीम आर्ग्यूमेंट्स, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट इज ईविल डेमन आर्ग्यूमेंट. अगर हम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंस परसेप्शंस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा डिकार्ट ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जिसको हम रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, काफ़ी टाइम्स ये हमें डिसीव करते हैं, धोखा दे देते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वैसी दिखती नहीं हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब गर्मियों के मौसम में आप चल रहे हैं रोड के ऊपर, प्लेन रोड है, तो आपको क्या दिखेगा, आगे रोड पे पानी है, बट जब आप पास पहुंचते हैं पानी नहीं होता है. सेम एल्यूजन रेगिस्तान में होता है, वहाँ जब कैमल पे लोग सवारी करते हैं तो उनको लग रहा है कि आगे पानी है, बट जब पास पहुंचते हैं वहाँ पानी नहीं होता है. सेम अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा, वहाँ भी उसको कलर में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी. किसी को जंडस हो जाए अगर, या कोई उसके सेंस ऑर्गन को कोई और डिफेक्ट आ जाता है, किसी के जो टंग का टेस्ट चला जाता है, जैसे कभी कभी फीवर होता है, तो जब फीवर टूटता है, आपका फीवर ख़त्म होता है, तो आपको आपकी टंग का टेस्ट ख़त्म हो जाता है. तो सारे लोगों को टेस्ट आ रहा है खाने का फैमिली में, बट आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हुआ क्या, आप तो चिल्लाओगे ये कैसा खाना बना दिया. तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना जा सकता है. तो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ड्रीम आर्ग्यूमेंट्स. तो इसमें ये वो बताने की कोशिश करते हैं डिकार्ट्स की, माइट बी पॉसिबल जो एवरीथिंग इज जस्ट ए ड्रीम. ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप मुझे अभी सुन रहे हो, या आप एक ड्रीम में सुन रहे हो, ड्रीम में भी तो आप सॉन्ग सुन सकते हो, ड्रीम में आप मूवी देख सकते हो, ड्रीम में आप कॉलेज आ सकते हो. तो शायद आपने कभी कॉलेज आए ही नहीं हैं, आप अभी एक्चुअली 12th में ही हैं, और आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज का ड्रीम ले रहे हैं. अभी आप कहाँ हैं, 12th क्लास में ही हैं, और आप सोए हुए हैं अभी, और एक्चुअल में क्या है, आप ड्रीम ले रहे हैं कि आप कॉलेज का एक लेक्चर सुन रहे हैं. पॉसिबल है ये, बिल्कुल पॉसिबल है. तो क्या होता है कि एक बार जैसे मतलब आप ड्रीम में होते हो और आपके पीछे डॉग लगा हुआ है, कुत्ता भाग रहा है आपके पीछे, तो आप भाग रहे हो, पसीना आ गया आपको, पूरा भीग चुके हो आपके कपड़े भी, तो आप जैसे उठते हो रिलैक्स हो जाते हो, नहीं ये तो ड्रीम था. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो आप अभी मुझे सुन रहे हो ये भी एक ड्रीम हो, या जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ को ये एक ड्रीम हो, पॉसिबल है. तो क्या पता पूरी लाइफ ही एक ड्रीम हो. देन जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है, दैट इज ईविल डेमन आर्ग्यूमेंट. तो ईविल डेमन आर्ग्यूमेंट में वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, शायद मे बी सम ईविल फोर्सेस मेक अस एक्सपीरियंस, मे बी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, कि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, शायद ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई ऐसा करवा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉडर्न गेम्स हैं, जो मॉडर्न गेम्स में क्या है, जो प्लेयर है वो पूरा आपके कंट्रोल में होता है. मतलब जब आप गेम खेलते हैं आपको लग रहा है आप ही गेम खेल रहे हैं, तो मतलब पूरा कंट्रोल किसका है, प्लेयर का, प्लेयर पे आपका. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी किसी गेम के प्लेयर हो. ये जो वर्ल्ड है ये एक गेम है बड़ी सी, और कोई एलियन का बच्चा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे आप गेम में प्लेयर्स को मैनिपुलेट करते हो, गेम में प्लेयर को कंट्रोल करते हो. शायद कोई आपको भी ऐसे ही कंट्रोल कर रहा हो और आप रियल सेंस में है ही नहीं है, आपको फील हो रहा है कि आप हैं, बट एक्चुअल में क्या है, आप ये वर्ल्ड जो है एक डिजिटल गेम है, और वहाँ पे आप एक मेयरली प्लेयर हैं, और आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सब कर रहे हैं अपनी मर्जी से, बट एक्चुअली ऐसा कोई और आपसे करवा रहा है. तो ऐसा पॉसिबल है. तो इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डिकार्ट ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि हम किसी भी चीज़ पे जो है डाउट किया जा सकता है. और इसी के साथ डिकार्ट क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि वी हैव फाउंड
कंप्लीट सर्टिनिटी ओनली इन मैथमेटिकल साइंसेस। अब हम डिकार्ट्स की अगर हिस्ट्री देखें, डिकार्ट्स जो थे वो एक मैथमेटिशियंस थे, पीएचडी इन मैथमेटिक्स एंड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी। और अब एक मैथमेटिशियन क्या होता है, जब मैथमेटिक्स वो साइंस है जिसमें कंप्लीट सर्टिनिटी होती है, जिस पे एक भी स्टेप पे आप डाउट नहीं कर सकते। 2+2 अगर 4 है तो इट हैज़ डेफिनेट रीजंस। आपको नहीं पता है 2+2 4 क्यों होता, मेरे को नहीं पता 2+2 4 क्यों होता, बट अगर एक मैथमेटिशियंस होगा तो उसको डेफिनेट नॉलेज होगा कि 2+2 4 कैसे है, जो लॉजिक है, जो ग्राउंड है वो उसको क्लियर होगी। और डिकार्ट चाहते थे कि जो सेम काइंड ऑफ सर्टिनिटी जितनी मैथमेटिक्स में होती है उसको हम अगर फिलॉसफी में अचीव कर पाएं तो हम उसको नॉलेज बोलेंगे। तो मतलब डिकार्ट का जो मेन एम था वो यही था कि हमें इतनी सर्टिनिटी फिलॉसफी में अचीव करनी है जितनी मैथमेटिक्स में होती है। तो डिकार्ट की जो मतलब मैथड ऑफ डाउट्स के बाद दो मेन पॉइंट एमर्ज होकर सामने आते हैं, वो थे एक डिकार्ट्स का प्रोग्राम और एक मैथडलॉजी। अगर हम प्रोग्राम की बात करें डिकार्ट्स की, वो क्या बोलते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ सर्टिनिटी इन फिलॉसफी एंड द साइंसेस एज इज रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। इफ द रिजल्ट अचीव्ड इन फिलॉसफी एंड द साइंसेस आर टू हैव द स्टेटस ऑफ जीनियस नॉलेज और जेन्युइन नॉलेज, जो फिलॉसफिकल नॉलेज है उसको जेन्युइन नॉलेज तभी कहा जा सकता है जब आप इतनी सर्टिनिटी फिलॉसफी में अचीव कर लें जितनी कहाँ होती है मैथमेटिक्स में, और वो तभी पॉसिबल है अगर जो फिलॉसफी की फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जितनी मैथमेटिक्स की होती है। और अगर हम मैथडोलॉजी की बात करें जो सेकेंड पॉइंट है, तो इसको डिकार्ट चार स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप था डिकार्ट का वो ये था कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट मत करो ब्लाइंडली, डू नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी थिंग्स, टेक एवरीथिंग एज ए प्रॉब्लम्स। मतलब हम क्या करते हैं, चीज़ों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और डिकार्ट्स क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले करना ही नहीं है, टू एक्सेप्ट नथिंग्स, टेक एवरीथिंग एज ए प्रॉब्लम्स, उसको एज ए चैलेंज लेना है, उसको वेरीफाई करेंगे, रीचेक करेंगे। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप उस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एज मच एज पॉसिबल, टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू एज मेनी स्टेप्स एज पॉसिबल। एंड द थर्ड स्टेप इज स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल वन, जो स्टेप्स आपने डिवाइड किए हैं प्रॉब्लम को, जो डिवाइड किया हुआ सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप क्या होगा, जो सिंपल स्टेप होगा सबसे, आप उससे शुरू करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एंड मूव टूवर्ड द कॉम्प्लेक्स वन। और लास्ट जो होगा, आप रीचेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, एनुमरेट करेंगे और रिव्यू करेंगे कंक्लूजन्स को, और तब आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ एक जो कोई कंसेप्ट है, जहाँ थ्योरी है, जहाँ जो नॉलेज एज ए नॉलेज आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये फोर स्टेप्स हैं जो डिकार्ट्स बताते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले इन फोर स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर डिकार्ट का मेजर वर्क देखा जाए तो मतलब मेजर टेक्स्ट है जो डिकार्ट्स ने लिखी थी वो थी मेडिटेशंस, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, और इसको सिक्स डे फिलोसफी भी कहा जाता है। डिकार्ट्स की बुक को सिक्स डे फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं उनको सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसको नाम दिया गया मेडिटेशंस। बुक का नाम भी मेडिटेशन था और इसके सिक्स पार्ट हैं टोटल। जो फर्स्ट पार्ट था मेडिटेशन का, उसमें डिकार्ट्स ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ डाउट, जो हमने अभी डिस्कस किया। और सेकंड की बात करें, उसमें वो डिस्कस करते हैं जो टॉपिक है आपका, दैट इज कोगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया। और थर्ड स्टेप था कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यूज किया डिकार्ट ने। फोर्थ में भी गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में ही डिस्कस किया गया कि गॉड जो होता है एक डिसीवर नहीं है, और विल इंटेलेक्ट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, ये सेकंड पॉइंट था इसमें फोर्थ आर्गुमेंट में। और फिफ्थ जो पार्ट है मेडिटेशन का, उसमें है ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, ये भी गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए दिया गया। और सिक्स पार्ट में जो मटेरियल थिंग्स होती हैं उनके बारे में बात की गई है। ये डिकार्ट की बुक थी मेडिटेशंस, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिकार्ट्स की फिलॉसफी को आगे देखेंगे। डिकार्ट्स के दो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डील करनी है, वन इज कोगिटो अर्गो सम, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, और सेकंड पॉइंट इज बॉडी माइंड प्रॉब्लम्स, दैट इज ड्यूलिज्म ऑफ डिकार्ट्स। तो डिकार्ट्स का अगर हम मेथड ऑफ डाउट देखें, तो मेथड ऑफ डाउट्स में हमने क्या देखा कि डिकार्ट्स ने हर एक चीज पे डाउट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हर एक चीज पे डाउट कर रहा था। तीन आर्ग्यूमेंट्स दी उन्होंने, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम सेंस परसेप्शंस, इवल डेमन्स एंड ड्रीम आर्ग्यूमेंट्स। इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डिकार्ट ने ये प्रूव किया कि हम किसी भी चीज़ पे डाउट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ डाउट से बची हुई नहीं है। डाउट करते करते डिकार्ट ने इतना डाउट करना शुरू कर दिया कि उसने खुद के एग्जिस्टेंस पे भी डाउट करना शुरू कर दिया। मतलब डिकार्ट अपने एग्जिस्टेंस को भी नहीं मान रहा, बाकी चीज़ों पर तो वो डाउट कर रहा था कि शायद मुझे
कोई इबल डायमंड डिसीव कर रहा है, मैं किसी गेम का पार्ट हूँ, जैसे हमने बात की, शायद ये पूरी दुनिया एक ड्रीम है, जहाँ जो मेरी सेंसेस मुझे दिखा रही हैं वो बिल्कुल एल्यूजन है, ऐसा है ही नहीं है। तो अगर कोई इस तरह से सोचना शुरू कर देगा तो वो क्या करेगा, सोचते सोचते इतना डेप्थ में चला जाएगा कि वो खुद के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करना शुरू कर देगा। सेम डिकार्ट्स के साथ ऐसा ही हुआ। डिकार्ट्स ने क्या किया, डाउट करते 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 इतने एक्सट्रीम में चला गया कि अपने खुद के एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर दिया। अब जब आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं तो क्या लगेगा आपको, कैसा लगेगा जब आप बोल रहे हैं अपने ही एग्जिस्टेंस पे, अपने वजूद पे डाउट कर रहे हैं? तो इन द एक्ट ऑफ डाउटिंग डिकार्ट सर्टेनली डिस्कवर दैट देयर इज अ डाउटर। मतलब जब कोई डाउट पे डाउट कर रहा है, डाउट पे डाउट कर रहा है, डाउट पे डाउट कर रहा है, कोई तो है ना जो डाउट कर रहा है। आप डाउट कौन करता है, मैं भगवान पे डाउट कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड पे डाउट कर रहा हूँ, मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ कि मैं भी नहीं हूँ, बट डाउट कौन कर रहा है? इफ देयर मतलब एक्ट ऑफ डाउट प्रूव्स दैट देयर इज अ डाउटर। अगर कोई डाउट कर रहा है तो डाउटर भी होगा, तो देन हु इज डाउटिंग? एक्ट ऑफ डाउटिंग इज एक्ट ऑफ थिंकिंग। एक्ट ऑफ डाउट इज एक्ट ऑफ थिंकिंग। अगर कोई डाउट कर रहा है मतलब कोई सोच रहा है, तो देन डिकार्ट्स कंक्लूड दैट कोगिटो अर्गो सम, इसको ट्रांसलेट किया जाता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई डाउट देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं, मैं डाउट कर रहा हूं इसलिए मैं हूं। टू डिकार्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ हिमसेल्फ एज ए थिंकिंग बींग, बिकॉज जो थिंकिंग है इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मेंटल एक्ट। सो डिकार्ट प्रूव हिज एग्जिस्टेंस एज ए मेंटल बींग, नॉट एज ए फिजिकल बींग। बॉडी का उसके अभी भी डाउट है, बट वो इतना श्योर हो गया है कि अगर कोई डाउट कर रहा है तो डाउटर भी है, और जैसे कोई डाउट कर रहा है तो वो सोच रहा है, तो मतलब वो क्या हुआ, एक्ट ऑफ डाउट इज एक्ट ऑफ थिंकिंग। सो डिकार्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए थिंकिंग बींग कि मैं क्या हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। तो ही प्रूव हिज एग्जिस्टेंस एज ए मेंटल बींग। सो जब डिकार्ट ने डाउट करना शुरू किया था, उसने सारी चीज़ों का एग्जिस्टेंस डिनाई कर दिया, और सबसे पहले जो उसको चीज़ मिली है अब कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ, जिस पे अब वो डाउट नहीं कर सकता, दैट इज हिज ओन मेंटल एग्जिस्टेंस, हिज ओन माइंड। तो मतलब सबसे पहले डिकार्ट ने क्या फाउंड किया, अपना माइंड। कैसे फाउंड किया इसको, डाउट करते 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 जो प्रोसेस शुरू हुई तो वो इतने एक्सट्रीम में चला गया, उसने अपने एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर दिया, और ड्यूरिंग द डाउट उसको क्या लगा कि कोई तो है जो डाउट कर रहा है, और डाउट करते करते उसने अपना एग्जिस्टेंस पा लिया एज ए थिंकिंग बींग, एज ए मेंटल बींग। सो ही प्रूव हिज एग्जिस्टेंस एज ए माइंड। बॉडी का उसको अभी भी श्योर नहीं है कि मेरी बॉडी है कि नहीं है, बट बोलता देयर इज डेफिनेट ए माइंड, ए थिंकिंग बींग। अब जब उसने माइंड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर लिया, इसके बाद डिकार्ट्स को आगे समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, क्योंकि बॉडी का वो अभी भी श्योर नहीं है, वर्ल्ड के बारे में वो अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है कि जो इवल डैमन है वो डिसीव कर सकता है, उसको अभी भी लग रहा है कि शायद मैं एक ड्रीम में हूँ, उसको अभी भी लग रहा है मेरी सेंसेस मुझे धोखा दे सकती हैं, बट अभी उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं ब्रेन माइंड नहीं हूँ। अभी उसके इतना श्योर हो गया कि वो क्या है, एक थिंकिंग मशीन है, थिंकिंग बींग, एक माइंड है, इस पर डाउट नहीं है उसको, बट बाकी सभी चीज़ों पर अभी भी उसको डाउट है। तो डिकार्ट क्या करता है, फिर बीच में गॉड को लाता है, क्योंकि अगर गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाए देन इतना श्योर हो जाए कि जो मेंटल, जो इवल डैमन है, जो शैतान है, वो मुझे डिसीव नहीं कर रहा है। अगर शैतान डिसीव नहीं करेगा तो मतलब सर्टिनिटी हो जाएगी कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं शायद वो रियल सेंस में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो डिकार्ट क्या करता है, माइंड का एग्जिस्टेंस प्रूव करने के बाद, अपने आप का जो थिंकिंग बींग के रूप में एग्जिस्टेंस प्रूव करने के बाद, गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करता है, और वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, एक ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट थी और एक कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अगर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि गॉड बाय डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गॉड एक परफेक्ट बीइंग है, और अगर परफेक्ट बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो परफेक्ट कैसे हुआ? तो मतलब गॉड बाय डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि गॉड इज ए परफेक्ट बीइंग, और परफेक्शन का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो उसका एग्जिस्टेंस होगा। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो परफेक्ट कैसे हो सकती है? तो अगर गॉड परफेक्ट है, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट। और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट उन्होंने ली है वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ये अगर मेरे दिमाग में गॉड का आइडिया है वो कहाँ से आया? आप सब मानते हैं ना कि आपके दिमाग में आइडियाज होते हैं, कहाँ से आया वो? गॉड का आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में, बताइए मुझे, कि
किसी गुरु ने डाला, किसी बुक ने डाला, भगवान का आइडिया डाल सकता है, क्योंकि जो गॉड है वो क्या है, इन्फिनाइट बीइंग है। इन्फिनाइट क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, और इन्फिनाइट का सोर्स, इन्फिनाइट का कॉज कभी भी फनाइट नहीं हो सकता। मैं फनाइट हूँ, लिमिटेड बीइंग हूँ, मेरी मदर लिमिटेड है, मेरे गुरु लिमिटेड है, मेरे सोर्स जो बुक्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो इन्फिनाइट का नॉलेज, लिमिटलेस का नॉलेज लिमिटेड कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अगर हमारे दिमाग में अनलिमिटेड का, इन्फिनाइट का नॉलेज है, तो उसका सोर्स भी इन्फिनाइट ही होना चाहिए। तो डिकार्ड क्या डिक्लेयर कर देता है कि जो गॉड का नॉलेज है, भगवान ने खुद हमारे दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसी के साथ डिकार्ड की एक और थ्योरी हमारे सामने आ जाती है, दैट इज इननेट आइडियाज, कि बाय बर्थ जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं। और यहीं से शुरू होती है डिकार्ड्स की एक्चुअल थ्योरी, दैट इज रैशनलिज्म्स। रीजन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है रैशनलिज्म में, जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स को डिनाई किया जाता है, सेंस ऑर्गन्स को एब्सोल्यूट नहीं माना जाता। यहाँ पे सिर्फ किसको माना जाता है, एब्सोल्यूट रीजन को। और रीजन का जो पिलर है, जो फाउंडेशन है, वो है इननेट आइडियाज में, कि वी कम्स टू दिस वर्ल्ड विद इननेट आइडियाज, विद इननेट नॉलेज। बाय बर्थ हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज होते हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ एटर्निटी एटसेट्रा। तो डिकार्ड तीन टाइप्स के आइडिया की बात करते हैं, इननेट आइडियाज की, फिक्शियस आइडियाज और एडवेंचरस आइडियाज, कि जो हमारे मेंटल, जो माइंड, हमारा जो ब्रेन है, इट्स कंपोज्ड ऑफ थ्री आइडियाज। तीन टाइप के आइडियाज होते हैं, एक तो इननेट आइडियाज होते हैं, एक एडवेंचरस आइडियाज होते हैं, और एक फिक्शियस आइडियाज। अगर हम इननेट आइडियाज की बात करें तो ये वो आइडियाज हैं जो बाय बर्थ हमारे दिमाग में होते हैं। तो डिकार्ड ने इसकी हेल्प से गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव भी किया, कि जो गॉड है वो इन्फिनाइट बीइंग है, और उसका जो सोर्स है वो भी इन्फिनाइट ही होना चाहिए। इसलिए अगर मेरे दिमाग में गॉड का आइडिया है, तो उसका सोर्स भगवान खुद ही होगा, उसका कॉज भी भगवान खुद होगा। और इननेट आइडियाज को प्रूव किया है इस तरह से। अगर फिक्शियस आइडियाज की बात करें, तो ये वो होते हैं जो माइंड खुद क्रिएट करता है, जैसे स्काई लोटस। किसी ने देखा आज तक? नहीं देखा, बट माइंड क्रिएट कर सकता है आइडिया। स्काई लोटस, स्क्वायर सर्कल देखा किसी ने? स्क्वायर भी और सर्कल भी नहीं, तो माइंड क्रिएट कर सकता है, मतलब फिक्शन है ये माइंड की, इमेजिन कर सकता है वो। बैरन वुमन देखिए, अनमैरिड वुमन का भी नहीं, माइंड इमेजिन कर सकता है। फिर जैसे यूनिकॉर्न देखा किसी ने? नहीं देखा है, माइंड क्रिएट कर सकता है। तो ये फिक्शियस आइडियाज हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे गोल्डन माउंटेन। और अगर हम बात करें एडवेंचरस आइडियाज की, ये वो हैं जो सेंस ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। एडवेंचरस क्यों बोल रहे हैं इसको, कि जब जब आप चाहो आइडिया प्रोड्यूस कर सकते हो। आप देखोगे तो प्रोड्यूस होगा, अगर आप नहीं देखोगे प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर आप सुनोगे प्रोड्यूस होगा। मतलब सपोज जैसे मैंने नॉनवेज नहीं खाया, तो मेरे दिमाग में नॉनवेज का आइडिया नहीं है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा होता है। तो अगर मैं चाहूँ कर सकता हूँ, अगर मैं ना चाहूँ ना करूँ कभी जिंदगी भर। तो ये क्या है, एडवेंचरस आइडियाज, जो हमारे पे डिपेंड करता है, हम चूज़ करते हैं खुद। एक सॉन्ग है, अगर आप सुनोगे उसका आइडिया बनेगा दिमाग में, अगर नहीं सुनोगे नहीं बनेगा। तो जो सेंस ऑर्गन से आइडियाज आते हैं, वो सारे होते हैं एडवेंचरस आइडियाज। और डिकार्ड को जब गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर देते हैं, उसके बाद अब वो फ्री है। अब वो क्या करते हैं, एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं मैटर को प्रूव करने के लिए, कि मैटर का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे प्रूव किया जाए। अब तो बैक्स होती है ना, मोमबत्ती, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो वो क्या करता है, बैक्स लिया आपने, आपने उसका मतलब कोई भी शेप बना दी, उसकी टेडी बेयर बना दिया, कैंडल बना दी उसकी, बैग्स की। तो आपको नहीं पता था कि ये पिघल जाती है, और आपने क्या किया, बैग्स का वो जो कोई भी शेप दी हुई है, आपने उसको फायर के पास रख दिया, जहाँ धूप में रख दिया, जब 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप 5 मिनट के लिए कहीं दूर चले गए, जब आप आए वो सारा जो बैग्स है वो पिघल चुकी है, क्योंकि गर्मी में बैग्स पिघल जाती है। तो आप जब आप छोड़ के गए थे, वो एक पर्टिकुलर शेप था, एक साइज़ था उसकी, एक फॉर्म थी, बट अब उसकी कोई शेप, कोई साइज़, कोई फॉर्म नहीं है, वो पिघल चुकी है, वाटर वाटर नीचे हो गया, अब सूख भी चुकी है शायद। तो अब हुआ क्या, आप कैसे बोलेंगे कि वो सेम बैग्स है, जो आप छोड़ के गए थे वो एक शेप थी, एक साइज था उसका, अब जो छोड़ रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो चुकी है। ऑन बट ग्राउंड्स यू विल से दैट दिस इज द सेम बैग्स, डिकार्ड्स बोलता वो एक ही क्वालिटी है, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का सिंपल का मतलब क्या है, स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करना। कोई भी चीज जो मटेरियल होगी, उसकी एक ही प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंशन, वो क्या करेगी, स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करेगी। और डिकार्ड बोलता है जो शेप फॉर्म जो आप बैग्स पहले धूप में छोड़ के गए थे, वो भी एक्सटेंड कर रही थी स्पेस और टाइम में, क्योंकि वो मटेरियल थी।
और मैटर की बेशक शेप और फॉर्म चेंज हो चुकी है, बट ये जो मैटर है लिक्विड फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी ये स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब जो भी चीज़ें आपको स्पेस और टाइम में दिख रही हैं वो सब क्या है, मटेरियल। और जो चीज़ स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करती है, जो मटेरियल है, वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से डिकार्ट मटेरियल का भी एग्जिस्टेंस प्रूव कर देता है। बट मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर अनकॉन्शियस होता है और क्या होता है, स्पेस और टाइम में होता है। अब डिकार्ट के सामने जो प्रॉब्लम राइज हो रही है वो ये है कि डिकार्ट ने वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ह्यूमन बींग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेंटल और एक फिजिकल, मतलब एक थिंकिंग बींग और एक मटेरियल बींग। अब थिंकिंग बींग की प्रॉपर्टी क्या है कि माइंड को कोई कैच नहीं कर सकता, माइंड स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है, माइंड स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता, और जो बॉडी है वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करती है। तो यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड बॉडी ड्यूलिज्म्स और बॉडी माइंड ड्यूलिज्म्स। अब प्रॉब्लम बॉडी माइंड ड्यूलिज्म क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि डिकार्ट्स ने रियलिटी को, जब एग्जिस्टेंस को, जब बींग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे एक मेंटल बींग और एक फिजिकल बींग। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। अगर फिजिकल बॉडी की बात करें, मैटर की बात करें, तो वो क्या है, पहले नंबर तो मैटर अनकॉन्शियस होता है, और दूसरे नंबर मैटर स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है। और अगर ऑन द अदर हैंड हम माइंड की बात करते हैं, तो माइंड क्या होता है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, और माइंड इमटेरियल होता है। माइंड क्या होता है, इमटेरियल, और जो इमटेरियल होगा वो स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और माइंड दूसरी तरफ कॉन्शियस होता है, मतलब माइंड कॉन्शियस है, बॉडी अनकॉन्शियस है। माइंड स्पेस और टाइम में नहीं है और बॉडी स्पेस और टाइम में है, एक मटेरियल और दूसरी मेंटल है। अब ये तो दूसरे दोनों अपोजिट हो गए, इनमें तो कोई लिंक पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ह्यूमन बींग को देखें अच्छे से, तो ह्यूमन बींग तो दोनों का कंपोजिशन है, दोनों हारमोनी में है, दोनों बैलेंस में है। बॉडी और माइंड क्या है, दोनों बैलेंस्ड काम कर रहे हैं। तो अगर बॉडी और माइंड में इतना बैलेंस कहाँ से आ रहा है, फिर बॉडी और माइंड में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे है, क्योंकि इनका जो दोनों का नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट है। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो बिल्कुल अलग हैं। एक कॉन्शियस है, दूसरा अनकॉन्शियस, एक मटेरियल है, दूसरा इमटेरियल है, एक स्पेस और टाइम में है, दूसरा बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। तो अगर दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो वो दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कैसे कर सकते हैं, दोनों बैलेंस्ड काम कैसे कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट डिकार्ट्स फेस। इसी को बोला जाता है बॉडी माइंड ड्यूलिज्म। अब प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो अगर दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, वो दोनों हारमोनी में काम कैसे करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है डिकार्ट्स को, इस प्रॉब्लम ने काफ़ी परेशान किया था। लास्ट में उन्होंने ट्राई की इस प्रॉब्लम्स को आंसर प्रोवाइड करने की, और कंसेप्ट प्रपोज किया पिनियल ग्लैंड कि पिनियल ग्लैंड एक ग्लैंड है, इट्स अ बायोलॉजिकल ग्लैंड दैट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड्स, बैक साइड में होता है माइंड के, ब्रेन के। तो ये पिनियल ग्लैंड वो पॉइंट है, बोलते हैं, जहां बॉडी और माइंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। डिकार्ट क्या बोल रहे हैं कि बॉडी और माइंड जो है वो पिनियल ग्लैंड पे इंटरेक्ट करते हैं। बट लोगों ने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि पिनियल ग्लैंड किसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है कि माइंड का। अगर पिनियल ग्लैंड बॉडी का पार्ट होगा, वो मटेरियल होगा, वो अनकॉन्शियस होगा, और वो स्पेस और टाइम में होगा। और एक चीज जो कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। एक चीज जो स्पेस और टाइम में है, वो बियॉन्ड स्पेस और टाइम के साथ कैसे एग्जिस्ट इंटरेक्ट कर सकती है, कैसे कनेक्ट हो सकती है। एक चीज जो कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस के साथ, एक स्पेस और टाइम है जो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम के साथ, और एक जो मटेरियल है वो इमटेरियल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। डिकार्ट इस प्रॉब्लम्स को एक लॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाया था। तो इसलिए डिकार्ट्स की जो ये थ्योरी है, इसको समटाइम्स अनकम्प्रोमाइजिंग ड्यूलिज्म भी बोला जाता है। डिकार्ट ने जो प्रॉब्लम्स प्रपोज की, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बॉडी और माइंड एक जैसे नहीं है, बट उनको बिल्कुल इस तरह से बाइफर्केट कर देना कि दोनों की प्रॉपर्टीज ही अलग हैं। तो इसका एक जो फिलोसफिकल आंसर्स था, वो काफ़ी मुश्किल था डिकार्ट्स के लिए भी देना। डिकार्ट ने ये प्रपोज तो कर दिया कि बॉडी और माइंड इंटरेक्ट करते हैं पिनियल ग्लैंड पे, बट इसको बहुत सारे फिलोसोफर्स एक लॉजिकल रिप्लाई नहीं मानते हैं।
तो इस तरह से मतलब डिकार्ट्स की जो फिलॉसफी है, ये डिकार्ट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। कहाँ उसने शुरू की रिएक्शन, अपनी फिलॉसफी जो थी उसकी जो फिलॉसफी रिएक्शन थी किसके अगेंस्ट, ट्रेडिशनल सिस्टम के अगेंस्ट। सारी फिलॉसफी डेमोलाइज कर दी उसने, ख़त्म कर दी, एक नए सिरे से फिलॉसफी शुरू की जिसे मैथड ऑफ डाउट्स बोला गया। तो मैथड ऑफ डाउट में वो क्या करते हैं, तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंस परसेप्शंस, इविल डायमंड्स एंड ड्रीम आर्ग्यूमेंट्स। इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ये प्रूव करते हैं हम किसी भी चीज़ पे डाउट करते हैं, और डाउट करते 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 वो इतना एक्सट्रीम में चले गए कि उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर दिया। और जब डाउट करते करते उनको क्या डिस्कवर हुआ कि देर इज अ डाउटर, एक्ट ऑफ थिंकिंग इज एक्ट ऑफ डाउटिंग एंड एक्ट ऑफ डाउटिंग इज एक्ट ऑफ थिंकिंग्स, एंड ही डिक्लेयर दैट आई एम ए थिंकिंग बींग्स एंड प्रपोज दैट कगिटो अर्गो सम, दैट इज आई थिंक देयर फोर आई एम। सो ही प्रूव्ड हिज एग्जिस्टेंस एज ए मेंटल बींग्स। देन फिर से प्रॉब्लम आ गई, आगे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव किया। दो आर्ग्यूमेंट्स थी, कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। देन मैटर का एग्जिस्टेंस प्रूव किया। जैसे ही मैटर का एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ, एक और बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज होगी, दैट इज बॉडी माइंड ड्यूलिज्म्स। क्योंकि बॉडी माइंड को जब डिकार्ट्स ने मैटर और बॉडी को, माइंड और बॉडी को ढूंढा, तो वो दोनों को सेपरेट कर चुके थे। ये इनको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि मैंने बॉडी को माइंड से, माइंड को बॉडी से सेपरेट कर दिया है। और अब सेपरेट कर दिया तो उनको जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम बॉडी माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो दोनों हारमोनी में हैं। तो उस हारमोनी को अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप तो बींग को समझ ही नहीं पाएंगे। डिकार्ट ने ये तो बोल दिया कि जो रियलिटी है इट्स कंपोज ऑफ टू डिफरेंट डायमेंशंस, मेंटल एंड फिजिकल्स। तो अगर आप दोनों बींग को समझेंगे नहीं, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, तो आप रियलिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो डिकार्ट एक ड्यूलिस्टिक फिलोसोफर हैं जो रियलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेंटल एंड फिजिकल। बट प्रॉब्लम तब राइज हुई जब उनको दोनों को जोड़ना पड़ा। जोड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज ही अलग हैं। एक कॉन्शियस है तो दूसरा अनकॉन्शियस है, एक मटेरियल है तो दूसरा इमटेरियल है, एक स्पेस और टाइम में है तो दूसरा बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। तो वहाँ इंट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी डिकार्ट ने एक कंसेप्ट प्रपोज किया था पिनियल ग्लैंड, उसमें भी वो एक लॉजिकल वे में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके आगे वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो रहेगा स्पिनोज़ा। स्पिनोज़ा इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो डिकार्ट्स को समझने के लिए आपको स्पिनोज़ा को देखना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।